गाय ये देखें अंडों पे जा रही है। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, आज हमारी आज की वीडियो का सीन ये है कि हमने जो पिछली वीडियो में जो आपको हमने बच्चे दिखाई थी मुर्गियाँ, उनके अंडे थोड़े से आगे पीछे हो गए, तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में उनको अच्छी तरह उनकी सेफ्टी का बंदोबस्त करें। तो आपको मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ सब कुछ। वो आज हम मुर्गी की सेफ्टी का बंदोबस्त करने जा रहे हैं। ये देखिए मुर्गी के सारे अंडे दब चुके हैं यहाँ पर, तो इसको पहले हम इसका जो है अंडे जो है जाहिर करते हैं। फिर तो इसके पहले हम इसकी यहाँ पे जगह चेंज जगह मतलब अच्छी तरह सफाई करके इसको ऊपर घास वगैरह लगाएंगे, फिर इसको दोबारा से अंडों पर बिठाते हैं, देखते हैं इससे कोई नुकसान तो नहीं हो। इसलिए कि इसमें इससे नुकसान भी हो सकता है, अंडे दबे होंगे मुर्गी को अंडों को गर्माई सही नहीं मिलेगी तो बच्चे निकलने के इम्कान कम हो सकते हैं। तो गैस ये घोंसला मैंने मुर्गी अंडों के लिए बना दिया है। देखें आप पहले अंडे इसमें इतने ज़्यादा सेफ़ नहीं थे क्योंकि वो भूसे के अंदर चले गए थे अंडे, तो अब इनको अंडों को इसके अंदर रख देते हैं। ये मुर्गी गाइस सारे अंडे इस डब्बे के अंदर मौजूद है, देखें अंडे सारे इसके अंदर मौजूद है। अब इनको हम यहाँ पर एक एक करके सब सेट कर देते हैं। तो गाइस तकरीबन ये हैं मेरे ख्याल से 12 अंडे हैं, मैं देखता हूँ दोबारा, अब रख लेते हैं फिर अपन इनको काउंट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये 12 से 13 अंडे होंगे, वो तब वो काउंट करते हैं, देखते हैं कितने अंडे ये। असल में पहले हम यहाँ पर हमने जब मुर्गी को बिठाया था पिछली वीडियो हमने देखा था वहाँ पर मतलब अंडे उस टाइम तो सेफ थे, लेकिन ये भूसे की भूसा जो है बारीक होता है तो इसके अंदर कोई अंडा मौजूद नहीं है। तो तकरीबन कितने अंडे हैं ये, 4, 4, 8, 8 और 12 अंडे तकरीबन। तो ये 12 अंडे हैं, तो इसके ये 12 अंडे मैंने रख दिए हैं और मैंने एक बनाया पिंजरा, ये देखें पिंजरा चारों तरफ से बिल्कुल मतलब ओके, इसमें जाली लगाई हुई है, ये देखें ये जाली है, ऊपर से भी ईंटें वगैरह लग जाएंगी, चारों तरफ से बंद है बिल्कुल, ये देखें यहाँ से जाली लगाई हुई है। तो हम यहाँ पर इसको इसके ऊपर सेट कर देते हैं ताकि ऊपर से भूसा वगैरह जो है वो इसके ऊपर ना आए। तो गाइस आप चेक करें ये अंडे इसके अंदर रख दिए मैंने, अब ये देखें बाहर से इसकी ये पोजीशन है, ये बिल्कुल अंदर मेरे हिसाब से सेफ हो चुके हैं। ऊपर से इसके ऊपर ईंटें वगैरह आ जाएंगी, दोनों तरफ से जालियाँ, बाहर से जालियाँ, और ये मुर्गी अंदर आराम से घास के ऊपर अंडे रखे हुए हैं यहाँ पर आराम से बैठ सकती है। तो हमारी मुर्गी चुगने के लिए गई है, उनको भी हम देखते हैं यहाँ पर लेके आएंगे और अंडों पर बिठाते हैं, फिर चेक करते हैं इसके ऊपर ये आरामदायक है या फिर कोई दूसरी परेशानी है। तो गाइस ये ऊपर से बिल्कुल सेफ हो चुका है, हमने ऊपर इसके ऊपर ईंटें वगैरह चौके जो हैं वो लगा दिए हैं, अंदर अंडे हैं तो ऊपर से बरसात वगैरह अगर आएगी भी तो ऊपर से हमने इसको प्लास्टिक वगैरह देकर इसको बिल्कुल ओके कर दिया है। गाइस हमारे पास ये दूसरी मुर्गी बैठी हुई थी, वो भी दाने चुगने के लिए आ चुकी है, ये देखें इसके भी अंडे हम जाकर चेक करते हैं अंडों की क्या पोजीशन है, दाने चुग रही है। गाइस ये दोनों मुर्गी यहाँ पर दाने चुगने के लिए आ चुकी हैं, ये देखें माशाल्लाह से। दूसरी मुर्गी की पोजीशन आपको दिखाएंगे, ये वहाँ बाहर बैठी हुई है, दूसरी जगह पर बैठी हुई है और ये अंदर अंडों पर बैठी हुई है। गाइस अब अंडों को चेक करने के लिए आ चुके हैं, देखते हैं इसके नीचे कितने अंदर, उस दिन भी हमने मुर्गी बैठी हुई थी पता नहीं चला कि कितने अंदर अंडे मौजूद हैं। इसके नीचे तकरीबन 9 अंडे मौजूद हैं, तो ये अपनी जगह इसने अपनी जगह खुद बनाई है, तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है और हमारे घर पे जो बैठी हुई मुर्गी है जिसका हमने बंदोबस्त किया है अभी उसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें आप, ये भी कितनी खतरनाक जगह है, उस दिन मैंने पिछली वीडियो में आपको सब दिखाया था, ये देखें ऊपर से बिल्कुल कोई नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन इसके अंदर अंडे दिए हुए, वो यहाँ से घुसती मुर्गी और वो अंदर अंडे इसके मौजूद हैं, वो देखें अंदर मौजूद हैं अंडे। तो गाइस इसको भी हम आपको ये दिखाएंगे, ये मुर्गी को लेकर आते हैं, ये भी अंडों पर बैठ जाती है। गाइस ये अंडों पर जा रही है मुर्गी हमारी, ये आप देख सकते हैं अंडों पर, इसको अजीब सा महसूस हो रहा है, पता नहीं इसको अच्छा लगे पता ना लगे, अल्लाह करे ये मुर्गी अंडों पर बैठ जाए, क्योंकि जगह चेंज की है शायद इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो, देखते हैं इंशाल्लाह बैठ जाएगी अंडों पर। ये चेक कर रही है यहाँ पर मेरे अंडे पहले कहाँ पर मौजूद थे और पता नहीं कहाँ पर जा चुके हैं अभी तक। इसको गाइस इसको महसूस तो हो चुका है यहाँ पर, इसकी जगह यहाँ से इंशाल्लाह चली जाएगी अंडों पर। माशाल्लाह माशाल्लाह ये जा रही है अंडों पर और अल्लाह के हुक्म से ये अंडों पर। तो माशाल्लाह ये बैठ चुकी है अंडों पर, ये देखें गाइस माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है अंडों पर बैठी हुई है।
शुक्र है यार ये अंडों पर बैठ गए। मुझे तो बड़ा डर था, मैंने बोला शायद ये नई जगह एक्सेप्ट करे पता ना करे, अंडों पर बैठे या ना बैठे। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है अंडों पर बैठी हुई भाई। ये देखें ये अंडों पर जा रही है और ये अंडों पर बैठ चुकी है। गाइज यार मैं थोड़ा लेट हो चुका था तो इस मुर्गी ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया वीडियो बनाने का, मुझे थोड़ा सा सीन मुझे खाली मिल सका इसका। तो ये देखें गाइज ये अंडों पर बैठी हुई है माशाल्लाह से। मेरा आप अंडे भी दिखाए थे इसके, कितने अंडे हैं, 9 अंडे थे यहाँ पे इसके मौजूद। ये देखें गाइज यार इसने वीडियो बनाने का मुझे बहुत कम मौका दिया, अगर वीडियो का मौका मिलता तो मैं लाजमी वीडियो बना के आपको दिखाता। गाइज हमारी ये छोटी सी वीडियो थी जो आपने देखी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना।